दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अंकुश फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में भी, और जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अंकुश 1986 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में नाना पाटेकर, निशा सिंह, मदन जैन, अर्जुन चक्रवर्ती, महावीर शाह, राजा बुंदेला, दिनेश कौशिक, रबिया अमीन, गजानन बंगेरा, आशालता बाबूगांवकर और सुहास पलशीकर नजर आए थे। इस फिल्म को एन चंद्रा ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था। इस फिल्म की कहानी देबू सेन ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स एन चंद्रा और सैयद सुल्तान ने लिखे थे। इस फिल्म को 21 जुलाई सन 1986 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 27 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 60 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 2 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 15 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 85 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.5 रेटिंग मिले और ये फिल्म 1986 की 38वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक कुलदीप सिंह ने दिए थे और इसके लिरिक्स अभिलाष ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 3 गाने थे और इसके सभी गाने हिट रहे थे, पर फिल्म का एक गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था, जिसे पूमिमा और पुष्पा पगदरे ने गाया था। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म का रीमेक बाद में तमिल और कन्नड़ा में भी बनाया गया था। तमिल रीमेक का टाइटल कविथाई पारानिरमिली था तो कन्नड़ा रीमेक का टाइटल रावण राज्य था। नंबर 2, इस फिल्म को कम बजट में बनाया गया था और इस फिल्म में कम जाने माने चेहरे नजर आए थे, फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हुई थी। नंबर 3, इस फिल्म में रविंद्र का रोल मराठी एक्टर रविंद्र महाजानी को माइंड में रखकर लिखा गया था। रविंद्र महाजानी ने ज्यादा फीस की डिमांड की थी लेकिन प्रोड्यूसर एन चंद्र का बजट कम था, इसलिए रविंद्र महाजानी को इस फिल्म में नहीं लिया गया था। फिर उनकी जगह नाना पाटेकर को लिया गया था और नाना पाटेकर को इस फिल्म के लिए करीब 10,000 की फीस दी गई थी। नंबर 4, इस फिल्म से नाना पाटेकर को काफी पहचान मिली थी और उन्हें कई अच्छे फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।